तारावती बोली, महाराज मेरी बात सुनिए ना। मेरी गोद में लगा पिरोना, अरे मेरी बुआ की अनुकूल लेना। मेरी गोद में लगा पिरोना, मेरी बुआ की अनुकूल लेना। मेरी गोद में लगा पिरोना, मेरी बुआ की अनुकूल लेना। मेरी गोद में लगा पिरोना, मेरी बुआ की अनुकूल लेना। मजबूर बाबा चंद चलत हमारी, अरे तेरी गाड़ी कितनी दूरी बाबा लत चलत हमारी। तेरी काशी कितनी दूरी स्वामी चलत चलत हमारी, अरे तेरी गाड़ी कितनी दूरी बाबा लत चलत हमारी। आज धीरे 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 काशी के पास में पहुंच गए और काशी में प्रवेश करने से पहले तीनों प्राणियों ने काशी के सामने हाथ जोड़ लिए। मां हम तीनों प्राणी तेरी शरण में आ रहा हूं, इन महात्मा जी के कर्जा से मुझे उरण कर देना मां, बाकी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अरे मेरे भाई लोगों, काशी नगरिया को प्रणाम किया और काशी के अंदर महाराज पहुंच गए तीनों प्राणी। ध्यान रखना भाई लोगों, विपत्ति इसे कहते हैं। विश्वामित्र जी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं आया। अरे काशी बीच हाय नगरिया में, और भैया की मत हो रही बजरिया में। आहा मत हो रही नगरिया में, भैया की मत हो रही नगरिया में। अरे काशी बीच नगरिया नगरिया भैया की श्रोता बंधु जनो, कोई खरीदने वाला नहीं आया परीक्षित जी, तो एक कालू आ गया। कंधे पर कमरिया है, हाथ में लाठी है। महात्मा जी इस जवान की क्या कीमत है? बोले ज्यादा नहीं है, केवल 20 भार सोना है, ये लो 20 भार सोना। और महाराज हरिश्चंद कौन, किसकी बात चल रही है? ये कोई साधारण मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधपति हरिश्चंद की बात चल रही है। महाराज किया है, भुगतना पड़ेगा। और महाराज कालू नाम के मेहतर के यहां महाराज हरिश्चंद चले जाते हैं।
एक ब्राह्मण देवता आ गए, तारावती को खरीद लिया। तारावती ने कहा, भगवान आपने मुझे खरीदा है, मेरे बेटा को भी खरीद लो, तो इसी के सहारे से मेरी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। तो उन पंडित जी ने मैया और बेटा को खरीद लिया, महाराज एक दूसरे से जुदा हो गए। ध्यान रखना परीक्षित जी, विपत्ति इसे कहते हैं। और हम और आप पर छोटी सी मुसीबत पड़ जाए, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, तो महाराज हम कोई धर्म का कार्य करते हो महाराज तो कहते महाराज ऐसो है वो ताशो मैंने ऐसो कद्दो का कंचाचन की बात कर लेंगे। नहीं नहीं साहब, शास्त्र ये कहता है धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान होता है, ये बात सत्य है। धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन धर्म पे चलने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भैया श्रद्धेय सतीश चंद शर्मा जी मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और वस्त्र है महादानम कुशलम, भगवान सुख संबुद्धि दे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे बोला करो, इतना तेज मत बोलो पड़ोसी को परेशानी होगी, इतना धीरे बोलो ताकि पड़ोसी भी मत सुन ले, अगर पड़ोसी ने सुन लिया तो समस्या आ जाएगी। हो सकता पड़ोसी सो रहा हो, उसके नींद में भी मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए पड़ोसी को मत जगाओ, पड़ोसी को टच मत करो। और मुझे तो इतना तो यहाँ बैठ के अंदाजा लगाई था ही हूँ महाराज, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, लेकिन हमें क्या है साहब बता दे रहे हैं तो कल से भीड़ कम हो जाएगी, फिर अपने को अच्छा नहीं लगेगा। भाई आकर के बैठ जाए करो, मुझे कुछ ताल्लुक नहीं, मैं तो अपना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया सतीश शर्मा जी हमारे सब भाइयों को भी मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं, महादानम कुशलम, भगवान सुख संपत्ति देता रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। सुनिए, अब परीक्षित जी कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, भैया मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होने देंगे, और उन्होंने एक होटल पर जाकर के कह दिया एक व्यक्ति की खुराक प्रतिदिन दे दी जाया करे इन्हें। आज पहला दिन आया है परीक्षित जी, पहला दिन, और पहले दिन का भोजन हरिश्चंद्र ने रखा, ये आपके बेटा हैं, ये हमारे सतीश भैया जी के सुपुत्र साहब हैं, हमारे परीक्षित और यज्ञपति जी को पुष्पों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। महादानम कुशलम, भगवान इन बच्चों की बुद्धि परमात्मा हमेशा धर्म के मार्ग पर अग्रसर बनाए रखे, ये तो अच्छी बात है। सुनो अब हुआ ये, थोड़ी शांति बनाए रखो साहब, समय काफी कम है, कथा बहुत है, तो इसलिए थोड़ा, वैसे भी हम कोई फालतू बात इधर उधर की करते नहीं, टाइम कथा ही सुनाई महाराज हमारा तो निवृत्त हो पाता है। हाँ तो सुनिए, इधर पहला दिन हुआ, पहला दिन भोजन रखा है, विश्वामित्र आ गए, मुझे दो दिन हो गए हैं बहुत तेज भूख लग रही है, हरिश्चंद्र ने सोचा मुझे तो आज पहला ही दिन है, सो उन्होंने वो भोजन लेकर के दे दिया। दूसरे दिन भोजन रखा तो विश्वामित्र जी फिर किसी का रूप बना करके आ गए, मुझे तीन दिन हो गए बहुत तेज भूख लग रही है। और सतीश भैया हमारे सब संत भगवानों का भी सम्मान कर रहे हैं, अति उत्तम, ये होना चाहिए दायित्व है। और तीसरे दिन भोजन रखा है परीक्षा जी हरिश्चंद्र ने, तो विश्वामित्र जी चांडाल का रूप बना करके आ गए, महाराज की जय हो, मुझे आज चार दिन हो गए हैं बहुत तेज भूख लग रही है। हरिश्चंद्र ने सोचा होगा मुझे जो आज तृतीय दिवस हुए, तीन ही दिन हुए हैं, वो भोजन लिया, विश्वामित्र जो चांडाल का रूप लिए थे दे दिया। महाराज एक नहीं दो नहीं, महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन लाना ही बंद कर दिया, कहने लगे ये भोजन भी हमसे रुष्ट है। तो परीक्षित जी ही एक दो चार छह दस पंद्रह बीस दिन नहीं, 27 दिन हो गए हैं और एक भी गिलास अन्न का महाराज हरिश्चंद्र के उदर में नहीं गया। शरीर की दशा क्या हुई होगी साहब, शरीर जर्जर हो गया, और वो भी दूसरे की ताबेदारी कर रहे हैं, विपत्ति इसे कहते हैं साहब। और माताओं भाई बहनों, हम एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार मंगलवार का व्रत करते हैं, तो भैया व्रत, व्रत का मतलब उपवास से नहीं है, व्रत माने प्रतिज्ञा, अच्छे कर्मों की प्रतिज्ञा करना चाहिए, इसे व्रत कहते हैं।
लेकिन महाराज यहाँ उपवास भी करते हैं। अब बात आएगी तासे कह रहे वैसे हम बुराई भलाई करते किसी की नहीं है, एकादशी का व्रत है, पति गए ड्यूटी से, पति बेटा से फोन लगवा दिया, बोले कह दे कल एकादशी को व्रत है, एक किलो पेठा, चार किलो सेव और केला, इतना मटेरियल ले आ, ऐसो व्रत भगवान की कृपा से रोज आए, ऐसा व्रत तो सबका हो। लेकिन हरिश्चंद्र के उदर में एक भी गिरास अन्न का नहीं गया, शरीर सूख सूख के जर्जर हो गया, इतनी सामर्थ नहीं है। एक घड़ा को लेकर के सिर पर रख लेते साथ, विपत्ति इसे कहते हैं, सामर्थ नहीं है, वो जल का बड़ा घड़ा भरा हुआ सिर पे आ जाता, तब तक देखा तारावती आ गई, नहीं नहीं मेरी पत्नी है, सहारा लगवा देंगी, मेरा मटका आसानी से सिर पे हो जाएगा। तारावती तुम हाँ एक काम कर दो ना जी महाराज, मेरा ये घड़ा लेकर के मेरे सिर पे धरवा दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास ये ब्राह्मण का मटका है और तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे घड़ा में सहारा नहीं लगवाऊंगी। क्या सच में? बोले बिल्कुल। हरिश्चंद्र बोले बद्रे मेरी बुद्धि विकृत हो गई, मेरी बुद्धि छीन हो गई, कोई युक्ति बता दो। हाँ एक बात सुनो, अरे जा बेपतिया थोड़े ही दिन की पातरिया, काटे से कट गए जब पता, थोड़े ही दिन की पातरिया काट से कट गए, और हम पे जाने सुरभि गागरिया पाट से कट गए मधुपतिया, होने पाटिया काट से कट गए मधुपतिया। स्वामी धस जाओ जल में, स्वामी धस जाओ गहरे जल निकल, स्वामी धस जाओ गहरे जल निकल, स्वामी धस जाओ। और साजे उठे प्यारी गागरिया पाटे से कट गए गणपतिया, और पाटिया काट से कट गए गणपतिया, भोर पाटिया पाटे से कट गए गणपतिया, भोर पाटिया काट से कट गए गणपतिया। तारावती ने घड़ा अपना भरा, प्रस्थान पुनः कर जाती हैं। हरिश्चंद्र देखते रहे और उसके बाद जल में प्रवेश कर गए, ऊंचाई कम हो गई, मटका को लिया, आसानी से सिर पर रख लिया, चल दिए। ध्यान रखना विपत्ति किसे कहते हैं। महलों के पास जैसे ही पहुंचे होंगे, पैर में ठोकर लगने से महाराज हरिश्चंद्र घड़ा पे सहित महाराज जमीन पे गिर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज गिर गए, और जब महाराज गिरे मेहतरानी निकलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम रोज रोज ये घड़ा जैसे फोड़ोगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ताने भी एक दो दे डाले, कालू नाम का मेहतर आ गया, अरे भैया तुझे भोजन नहीं मिलता, तेरे शरीर की ये दशा क्या हो गई। नहीं महाराज मुझे भोजन मिलता है। और उन्होंने जाकर के होटल पे जब इस बात की है महाराज पता किया गया, बोले महाराज 3 दिन तुम्हारा नौकर भोजन लेके आज दिन तक लेने नहीं आया है। कालू नाम का मैत्र कहने लगा भैया आज के बाद तुम घड़ा भरने नहीं जाओगे, फिर महाराज मुझे क्या करना होगा। बोले तुम्हें करना होगा ये कमरिया लो, ये लाठी लो, और फिर महाराज बोले जाओ मरघट में मरघटिए का काम करना होगा। विपत्ति इसे कहते हैं। साथ है वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधपति, आज मरघटिए का काम करने के लिए उद्यत हो गया और कालू से कहने लगा महाराज मुझे मरघटिए सा भी घटिया कोई काम हो मंजूर है। एक कवि ने लिख दिया, अरे राजा से बन गए भिखारी,
समय तेरी बलिहारी राजा से गए शिकारी समय तेरी बलिहारी राजा से मोरा ध्वज पे मोरा ध्वज पे मोरा ध्वज पे जिन सुत पे चलाए गई यारी समय तेरी बलिहारी राजा चले गए भिखारी समय तेरी बलिहारी राजा हरिश्चंद्र पे हरिश्चंद्र पे हरिश्चंद्र पे सतवादी पे हरिश्चंद्र पे सतवादी पे भैया मरघट करिए रखवाली समय तेरी बलिहारी अरे मरघट करिए रखवाली समय तेरी बलिहारी 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 श्रोता बंधु जनो विपत्ति परीक्षा जी इसे कहते हैं ध्यान रखना। अब क्या हुआ इधर एकादशी का व्रत है, पंडित जी ने कहा तारावती से बिटिया कल अपने अच्छे अच्छे पुष्प तोड़वाना जी महाराज, कल हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे जी महाराज। और मैया ने अपने लाला को शाम को ही कह दिया लाला हम स्वतंत्र नहीं है हम परितंत्र हैं, ये महाराज हमको खरीद के लाए हैं लाला, इसलिए अपनी मर्जी नहीं पंडित जी की मर्जी के हम लोग गुलाम हैं। ठीक है माता जी, बोले सवेरे पुष्प वाटिका से अच्छे अच्छे पुष्प तोड़ के लाना जी माता जी। आज विश्वामित्र ने पीछा परीक्षा जी फिर भी नहीं छोड़ा। हुआ क्या और चलन को मनवारे लल जायो ध्यान रखना मेरे भाई बहनों विपत्ति इसे कहते हैं। अरे होली को समय चलन को मनवारे लल जायो और उसी का फूल न में खिलो फूल एक छोना ने पायो
आग वस्त्रोता बंधु जनो पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। लाला ने जैसे ही एक सुंदर पुष्प देखा, हमें इस पुष्प को लेकर के जाएंगे, पंडित जी हमें बहुत हित करेंगे। और जैसे ही सुंदर पुष्प को देखा, उसमें एक सर्प बैठा था, महाराज सर्प ने फुसकार मारी और उस लाला को डस लिया। मां ये तेरा बेटा अब जा रहा है। भैया विपत्ति ऐसे कहते हैं, ध्यान रखना भाग वस्त्रोता बंधु जनो। आज विश्वामित्र जी ने गलियों में आवाज लगाना शुरू कर दी, किसी के बेटा को सर्प ने डस लिया। मैया ने कहा मेरा ही बेटा तो गया है, मेरा ही बेटा तो गया है, मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया। पंडित जी मेरे बेटा को सर्प ने डसा है, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपने बच्चे को जाकर के देख ले। नहीं, पहले इस घर का कार्य पूरा संभालो, उसके बाद जाओ। विपत्ति इसे कहते हैं साहब। गृह कार्य से निवृत्त होने के बाद में वो मैया आज उस बगिया में पहुंची तो बेटा महाराज दुनिया से अलविदा हो चुका था। बोलिए गोविंद भगवान की। और अपने बेटा को मैया ने हृदय से लगा लिया। लाला मुझे नहीं मालूम था ये दिन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। और रो करके प्रारभवती कहने लगी, अरे चेत गर्भ में धरो नींद भरी सोयो रे काया मेरे, गर्भ में धरो नींद भरी सोयो रे काया मेरे, पालक रूप वृक्ष में ढिलाए पाई छाया वे, लाला पालक रूप वृक्ष में ढिला पाई छाया वे, श्रोता बंधु जी ध्यान रखना। भैया तो आज तारावती दो रही है, ये दिन हमें काय को देखने के लिए मिला, ये दिन मुझे काय को देखने के लिए मिला, कौन से जन्म का मेरा पाप आकर के बैठ गया, मेरे पति हमसे जुदा हो गए, मेरा बेटा विधाता तुमने मुझसे मेरी गोद से छीन लिया, आखिर को सौज भी बाकी है। विश्वामित्र जी आ जाते, बहन तेरे बेटा को सर्प ने डसा है, इस बेटा को लेकर के जा तू, इसका अंतिम संस्कार कर दे। और ध्यान रखना परीक्षित जी, चक्रव्रता चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधपति हरिश्चंद्र की पत्नी, इतना भी धन दौलत नहीं है पास में जो बेटा के ऊपर कफन ला करके डाल देती, तो ये कलयुग बढ़िया है कि सतयुग बढ़िया है? थोड़ा ध्यान दो, लोग कलयुग की बुराई करते हैं, कलयुग समय नहीं आने युग,
आज कितना बड़ो दुश्मन होए परीक्षित जी, अगर कोई विपत्ति की बात आ जाए तो वो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये बात सतयुग की चल रही है, वो मैया अकेली उस पुष्प वाटिका में बैठी है, बेटा की लहस पड़ी है, लेकिन कोई इतना बड़ा मददगार नहीं है जो सुमैया के बेटा की लहस के ऊपर कफन डालने के लिए दुहनी दे देता। और आज की कोई बात आ जाए तो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं होगा, समाज में कितना भी बड़ा गरीब से गरीब हो लेकिन इतना कार्य करने के लिए सक्षम है, तो कलयुग सबसे पवित्र युग है साहब। इस कलयुग की बुराई मत करिए, कलयुग समय आने योग, कलयुग में जो किया जाता है तुरंत ही उसे भुगतने के लिए प्राप्त हो जाता है महाराज। तो मैया ने आधी साड़ी को फाड़ा बेटा के ऊपर और आधी साड़ी से तन को ढक लिया, चल रही है महाराज मरघट के लिए। अरे के मरघट जाए नहीं और मैया ले के ले बेटा की मरघट जाई रही, मैया ले ले थी बेटा की। अरे के मरघट जाए गई को जावे मैया मरघट को जावे। अरे जद पति ने विपत्ति भई दुखिया ले विलास देखा की मरघट जाई रखना भैया। वो मैया चली जा रही है अंधेरी रात्रि में, कभी मैया लहस के ऊपर गिर जाती है तो कभी बेटा की लहस माँ के ऊपर गिर जाती है। भैया इसे विपत्ति कहते हैं, ध्यान रखना। अरे विश्वामित्र बन गए देवी, विश्वामित्र बन गए वैरी, विश्वामित्र बन गए वैरी, विश्वामित्र बन गए वैरी। कैसी घड़ी विपत्ति की डारी, घड़ी विपत्ति की डारी। अरे मैं नजर चाहे नहीं, मैया ने गिलास देखा की मरघट जाई रही, मैया ने मरघट जाए रही, मैया जाए रही, दुखिया ने गिलास देखा की मरघट जाई रही, मैया ने गिलास। भाई बहनों उस अंधेरी रात में जाकर के मैया शमशान में पहुंच जाती है, चिताएं जल रही हैं। मैया ने उन चिताओं में से लकड़ियों को खींचना शुरू कर दिया और वह लकड़ियां जब चिता में से खींचना शुरू कर रही है तो चिता खसी, चिंगारी उत्पन्न हुई, हरिश्चंद्र पहरेदारी पे थे सावधान, यहां बगर करका टका के लहस नहीं जलाई जाएगी। और तब तक पास में आ गए, पास में आ गए, सिर के बाल बड़े बड़े हो चुके थे, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है,
कमरे पे कंधे पर कमरिया है, हाथ में लाठी है, श्याम बरड़ हो चुका है और पास में आ गए। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, यहां लहास बगैर करका टका के नहीं जलाई जाएगी। तारावती ने विचार तो किया, कहीं है मेरे महाराज तो नहीं है। फिर उन्होंने विचार किया, मेरे महाराज इतना कार, ऐसा कार नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तारावती कहने लगी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, करका टका देने के लिए मैं क्या दे दूं। तो हरिश्चंद ने आवाज को सुना, सब कितना भी अपना कितना भी बेगाना हो जाए, अपना कितने दिनों बाद मिले, लेकिन अपना तो अपना होता है। तो तारावती की बात सुनी तो हरिश्चंद कहने लगे, ऐसा तो नहीं है, कहीं मेरी ये भार्या है, मेरी पत्नी है, है? तारावती ने हिम्मत करके कहा, कहीं आप मेरे महाराज तो नहीं है। हरिश्चंद बोले, क्या मतलब महाराज? मतलब कुछ नहीं है, ये बेटा आपका है, ये बेटा मेरा है, तो आप हमारी भार्या कैसे हुआ? मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया। नहीं, फिर भी बगैर करका टका के लहस नहीं जलाई जाएगी। महाराज बेटा आपका ही तो है। हरिश्चंद बोले, ये बात सत्य है, बेटा मेरा है, लेकिन तुम्हें कुछ दिन पहले की बात याद है? बोले, क्या महाराज? बोले, सुनो, अरे करे बाद न किया दे, बनी तू जाद न में सोरानी, बाद न किया दे, बनी रे तू याद न दे सोरानी, मेरे भाया को लाए उठाओ हाथोरी जमे मेरा मन सो पानी, क्या तुम्हें वो बात याद है? हम तुम्हारे पति थे, तुम हमारी रानी थी, लेकिन तुमने हमारे घड़ा में सहारा नहीं लगवाया, और आज तुम कह रही बेटा मेरा है। हाँ हाँ बेटा मेरा है, लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं। दिन भी हम तुम्हारे पति थे, तुम हमारी रानी थे, लेकिन ये तुमने पहली बार गलती की है, तो इसलिए धर्म है मेरा, बगैर करका टका के लहस नहीं जलाई जाएगी। तारावती के पैरों के तले जमीन खिसक गई। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। और तारावती रो करके कहने लगी, स्वामी ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती है। अरे हम ते पता पड़ी तिया तुम कदे न ते जटानी, अरे हम ते पता पड़ी बलवा तुम कदे न ते जटानी, तुम तो मान बनाए लला जी अत्यारो ही ना सादे, हमें नहीं मालूम था महाराज ये घड़ी देखने के लिए है।
हमें इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगा। मुझे नहीं मालूम था। अरे लल्ला की लाज जगाए दियो और आधी सारी बची दिया को कफन दे दियो। अरे आधी सारी बची दिया को कफन दे दियो। इस मोड़ पे ला करके समय मुझे खड़ा कर देगा। दो आधी साड़ी पहने हैं रानी ने उतार करके महाराज को दे दी। ये लो महाराज, आप अपने धर्म से डिग मत जाना, ये धर्म का परीक्षण है। और अपनी लोक लाज के भय से मैया भागी और एक मंदिर के अंदर अचेत अवस्था में जाकर के गिर गई महाराज। लेकिन भक्त ने पीछा नहीं छोड़ा। परीक्षण जी, विपत्ति इसे कहते हैं साहब। विश्वामित्र आ जाते हैं, माया रूपी चार बालक लेके चौराहे पे लिटाए दिए। एक नगर में आवाज गांव में डहन आ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है। कालू को बुलाया, कालू ने हरिश्चंद को बुलाया। हरिश्चंद, तेरे होते हुए भी गांव में डहन है महाराज, अभी जा रहा हूं। अब तो हरिश्चंद चले तेगा हाथ में है। और हरिश्चंद जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं तो देखा केसों को पकड़ करके, नहीं ये डायन नहीं, ये तो मेरी अपनी भार्या है, मेरी अपनी पत्नी है, ये नहीं हो सकता है। रानी के नेत्र खुल जाते। महाराज अंतिम परीक्षण है, आप अपने अपने धर्म का पालन करिए। हरिश्चंद्र ने जैसे ही तेगा को लेकर के मारने के लिए उद्यत हुए, देवताओं के सिंहासन डोल गए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। विश्वामित्र जी ने आकर के तेगा को पकड़ लिया। महाराज शांत हो जाओ, क्यों, ये धर्म का परीक्षण हो रहा था। देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हो गए, भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बस विश्वामित्र जी बोले, तुम तीन आए थे दो रह गए। तारावती कहने लगी, मेरे बेटा को सो सर्प ने डस लिया। बोले नहीं, बुलाओ अपने बेटा को। तो रोहितास पुनः आ जाता है। प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, अब आप कहोगे महाराज तब तक अवध का राज्य किसने संभाला। आप कहोगे तब तक अवध का राज्य किसने संभाला, जो विश्वामित्र जी का बेटा अजागर्त महाराज जी का पिछला वाला पुत्र था, जिसे यज्ञ में बलि देने के लिए चाहते थे वरुण भगवान की यज्ञ के यज्ञ में। और उस बच्चे का नाम था सुखसेन। तब तक जाकर के उस अवध के राज्य को उस बच्चे ने संभाला है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हरिश्चंद से भगवान बोले, बेटा वरदान मांगो। देवेंद्र, ये 50 मुद्रा हैं देवेंद्र भैया जी एटा से, ये डिस्ट्रिक्ट एटा से। महादानम कुशलम भगवान सुख संबुद्धि दे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भाई बहनों, हरिश्चंद से भगवान कहने लगे, तुम हमसे वरदान मांगो। हरिश्चंद कहने लगे, प्रभु ये सतयुग है, आगे त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, उसके बाद में कलयुग आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस तरीके का परीक्षण कभी किसी के बोलिए गोविंद भगवान की। तो हरिश्चंद कहने लगे, कलयुग में इस तरीके का परीक्षण कभी कभी किसी भक्त का जाकर के आप मत करना। भगवान ने कहा, जाओ, हमने ये तुम्हें वचन दिया, कलयुग में इस तरीके का परीक्षण किसी भक्त का नहीं होगा।
तारावती ने कहा, प्रभु जब जब हम जा भूतल पे आवे तब तब हमें जही पति और जही बेटा प्राप्त हो गए। प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, महाराज हरिश्चंद्र तारावती के लिए स्वर्ग से विमान आया, स्वर्ग धाम की प्राप्ति हुई है और अवध का राज्य पुनः जाकर के रोहिदास ने संभाला है। शास्त्र ये कहता है, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपको पीठ नहीं देगा, आपकी धर्म भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। जय जय श्री राधे।